हमारे बीच गार्ड कमांडर भाला के बच्चे राष्ट्रगान के लिए तैयार हैं। बहुत जोरों में उनका कार्यक्रम हो रहा है और मंच पर विराजमान और आरआर के कैप्टन जेडीओ भाला, टीएसओ भाला, रेंजर मलोठी, जेडीपीओ भाला, मेडिकल ऑफिसर भाला और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और विभिन्न स्कूलों के प्यारे बच्चे और तहसील भाला के नागरिकों का गर्व से भरा स्वागत और आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी मिलकर भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को समर्पण भावना से संबोधित कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें गर्व है कि हम एक साकार गणराज्य के रूप में समर्पित है जो अपनी विशेषता और एकता के लिए प्रसिद्ध है। गणतंत्र दो शब्दों का जोड़, गण और तंत्र। गण का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है विधि या तकनीक, यानी वो तरीका जिससे जनता का विकास हो। भारत को गणराज्य बनाने की आवश्यकता थी क्योंकि इससे लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार मिला। गणराज्य बनने से लोकतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और नागरिकों को सरकार में भागीदारी का अधिकार मिला। इससे समाज में जातिवाद, भेदभाव और अन्य सामाजिक अनैतिकताओं के समाप्त होने की उम्मीद जगी, जो एक समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करने में मदद करता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक समृद्ध और विकास की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया था। इस यात्रा में हमने गणतंत्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त की और देश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की प्राप्ति की है। आर्थिक साक्षरता, सामरिक न्याय और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत ने अद्भुत प्रगति की है। आज भारत का परचम पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि चांद पर भी लहरा रहा है। कोविड महामारी में भारत सबसे बड़ा योद्धा बनकर सामने आया है। इस महामारी से भारत ने डटकर जीत हासिल की और अन्य देशों की भी मदद की। आज हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी इतने सक्षम हैं कि हमारे दुश्मन देश भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने से डरते हैं। आज हमारी सरकार ने एक बेहतर भारत की दिशा में कई पहलों को शुरू किया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वल योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यादि। यूं तो हम सब जानते हैं
कि भारत सन 1947 में आजाद हुआ, पर तमाम प्रयासों और उपलब्धियों के बाद भी भारत आज भी गुलाम है। भारत गुलाम है नशे का। नशा या अधिकतम तरीके से कहें तो मादक पदार्थों का सेवन हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। नशे का सेवन करने से ना केवल व्यक्ति की सेहत प्रभावित होती है, बल्कि ये उसकी आत्म रूपरेखा को भी प्रभावित करता है। हम सभी को इस समस्या को समझकर सामूहिक जागरूकता और सहयोग से इससे मुक्ति प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। नशा मुक्त का भारत का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना है। इसके लिए हमें पहले खुद को और फिर अपने समुदाय को नशे के हानिकारक प्रभावों से अवगत करवाना होगा। हमें युवा पीढ़ी को नशे के खतरों से समझाना और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना होगा। नशे के प्रभाव से बचना और भारत को नशा मुक्त बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे गणतंत्र दिवस का ये मौका हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की समृद्धि और ऊंचाइयों की दिशा में समर्पित रहना है। आइए आज हम सब समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करें और भारत को नशा मुक्त बनाने और एक नए और उच्च स्तर पर पहुंचाने का कारगर प्रयास करें। और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम कुछ ही क्षणों में कहती थी